हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कवरेज देखने को मिलेगी छोटी लाइन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन बड़वा रेलवे स्टेशन का। दोस्तों, जो बड़वा रेलवे स्टेशन है ये सनावट से महू के मध्य में पड़ता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन हुआ करता था छोटी लाइन के समय का, और अभी ये स्टेशन गेज परिवर्तन की आस में बैठा हुआ है। क्योंकि अभी जो गेज परिवर्तन का कार्य चल रहा है वो इस रेलखंड में ही चल रहा है, बलवाड़ा से सनावट के मध्य में। और दोस्तों, अभी जो गेज परिवर्तन कार्य की प्रोसेस जो जारी है वो है हमारे मोटक्का ब्रिज के बड़वा एंड पर। तो अभी यहाँ पर जो स्टेशन है बड़वा स्टेशन, यहाँ पर कुछ भी गेज परिवर्तन का कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, बात करें बड़वा रेलवे स्टेशन के इतिहास की तो बहुत ही सुनहरा इतिहास रहा है। हर बड़ी गाड़ी यहाँ पर रुकती थी, सारी ट्रेनें जो यहाँ से पास होती थी वो सारी ट्रेनें यहाँ पर रुकती थी। दोस्तों, साथ ही आपको दिखाते हैं बड़वा रेलवे स्टेशन का माल गोदाम, जहाँ पर मालगाड़ियाँ आया करती थी, मीटर गेज की मालगाड़ियाँ, और यहाँ से सामान की अनलोडिंग व लोडिंग हुआ करती थी। ये एक ही बहुत ही सुनहरा इतिहास था मीटर के समय का, उस समय का स्टेशन है, और अभी यहाँ पर गेज परिवर्तन का कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, बात करें इस स्टेशन के इतिहास की तो यहाँ पर टोटल दो रेलवे प्लेटफॉर्म हैं। दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म जो हैं वो मीटर गेज के हैं और टोटल जो हैं तीन ट्रैक्स हैं। दोस्तों, पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन हुआ करता था हमारा बड़वा रेलवे स्टेशन। दोस्तों, जैन तीर्थ सिद्धवरकूट जाने के लिए एवं महेश्वर के सुंदर घाट जाने के लिए यहाँ से हमें ट्रेन से उतरना पड़ता था और बाय रोड यहाँ पर हम जा सकते हैं। दोस्तों, बात करें बड़वा शहर की तो बड़वा शहर जो है वो खरगोन ज़िले में आता है, और खरगोन ज़िले में दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। पहला है सनावट और दूसरा है बड़वा। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो बड़वा शहर काफ़ी बड़ा है। बड़वा शहर अकेला दम रखता है कि वो एक नया ज़िले के रूप में तब्दील हो सके, और समय समय पर यहाँ पर मांग भी उठती रहती है। दोस्तों, ये जो एंड देख रहे हैं बड़वा का, ये है बलवाड़ा एंड। दोस्तों, अगर आप बड़वा शहर को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा डेवलप शहर है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो खरगोन ज़िला है उसकी सबसे बड़ी तहसील भी बड़वा शहर ही है, और उस लिहाज से यहाँ का गेज परिवर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही शहर जो है, जब इसका गेज परिवर्तन हो जाएगा इस स्टेशन का, तो यही स्टेशन जो है वो खरगोन ज़िले का प्रतिनिधित्व करेगा। दोस्तों, बात करें बड़वा रेलवे स्टेशन की तो पुराने समय पर इसका बहुत महत्व था। हर बड़ी गाड़ियां यहां पर रुका करती थी और काफ़ी अच्छी संख्या में यहां से यात्रीगण चढ़ा व उतरा करते थे। मतलब गाड़ियों का जो पेट्रोनेस था उसकी भी काफ़ी वैल्यू थी इस स्टेशन की। काफ़ी यात्री यहां से बोर्ड और डीबोर्ड होते थे। दोस्तों, मीनाक्षी एक्सप्रेस आप ले लीजिए, अजमेर अकोला एक्सप्रेस ले लीजिए, ज्योतिर्लिंग एक्सप्रेस ले लीजिए, अजमेर पूर्णा फास्ट पैसेंजर ले लीजिए, या चित्तौड़गढ़ अकोला फास्ट पैसेंजर ले लीजिए। ये सभी गाड़ियों का यहाँ पर स्टॉप हुआ करता था और काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर इन गाड़ियों में यात्री चढ़ा करते थे। इन यात्रियों के लिए एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी, डायरेक्ट राजस्थान की और महाराष्ट्र की इन ट्रेनों के द्वारा। किंतु जब से गेज परिवर्तन का कार्य स्टार्ट हुआ है इस पूरे रेलखंड में 2006 से, तब से ये जो लाइनें हैं वो सिमट के रह गई थी रतलाम से अकोला के मध्य। तो यहाँ के यात्रियों की कनेक्टिविटी एक तरीके से ख़त्म ही हो गई थी, और फिर धीरे धीरे ये गेज परिवर्तन का कार्य ज़्यादा स्टार्ट होते गया और 2023 में ये रेलखंड पूरी तरीके से बंद हो गया। दोस्तों, बड़वा रेलवे स्टेशन पर बहुत जल्द गेज परिवर्तन का कार्य स्टार्ट हो जाएगा, और सही मायने में ये स्टेशन इंतज़ार भी कर रहा है कि कब इस स्टेशन को छोटी लाइन के स्टेशन से बड़ी लाइन के स्टेशन में तब्दील किया जाए। यहाँ के यात्रियों को भी बेसब्री से बड़ी लाइन का इंतज़ार है। तो यह थी आज की बड़वा स्टेशन की कवरेज। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए।